कि 2016 का जो वर्ष रहा है ये हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए एक ऑल टाइम हाई अचीवमेंट का वर्ष रहा है। और अब हालात ऐसे हो गए हैं छत्तीसगढ़ में कि जो पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे आज के कुछ वर्षों पहले लोग गए होंगे और ये आज जाएंगे उसे देखने के लिए, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लोगों को देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी तरफ से माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत कुछ किया है और इधर केंद्र सरकार ने भी पूरी छत्तीसगढ़ सरकार की मदद की है। आज उन विकास कार्यों की भी हमने समीक्षा की है और मैं समीक्षा के बाद पूरी तरह से संतुष्ट हूं। छत्तीसगढ़ सरकार को जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से अपनी दायित्व को छत्तीसगढ़ सरकार ने निभाया है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार को भी बधाई देता हूं और साथ ही साथ यहां के सिक्योरिटी फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को और साथ ही साथ यहां के पूरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। एक महत्वपूर्ण कदम जो माननीय गृहमंत्री जी ने बस्तर बटालियन की स्थापना की, एक देश का और छत्तीसगढ़ का और बस्तर के लिए एक गौरव का विषय भी है। और स्थानीय बच्चे, लड़के और लड़कियां, अंतिम रूप से उनका चयन किया जा चुका है और इसके साथ ही साथ 5 अतिरिक्त आईटीबी बटालियन जो मिला है छत्तीसगढ़ में, एक जो मैं हमेशा बार बार कहता हूं प्रशिक्षण, पुलिस के हमारे जवान जंगल वारफेयर गोरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित नहीं थे, केंद्रीय स्तर में जो प्रशिक्षण हुआ 1655 हमारे जवान को जो मिजोरम में जाके वरंगटे में जो प्रशिक्षण हुआ वो अपने आप से गेम चेंजर रहा है।